हेलो दोस्तों, मैं कमलेश कौर, आप सबका स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं एक नई रेसिपी जो कि चावल और बेसन से बनाई है। शुरू करते हैं हम इसे। चकरी बनाने के लिए मैंने लिया है एक कटोरी चावल का आटा, जिसको कि मैंने घर पर ही मोटा मोटा इस तरह से पीस लिया है। आधी कटोरी लिया है बेसन, जिसको कि मैंने छान लिया है। इसमें मैं डाल रही हूँ एक छोटा चम्मच मीठा सोडा, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, थोड़ी सी अजवाइन, आधा चम्मच धनिया पाउडर। इसी में डालेंगे 2 से 3 चम्मच रिफाइंड ऑयल। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा गर्म पानी डाल के इसको अच्छे से आटे की तरह गूंद लेंगे। मैंने इसे अच्छे से गर्म पानी से गूंद लिया है। चकरी बनाने के लिए हमें चाहिए इस तरह से एक मशीन। इसको हम इस तरह से खोल लेंगे। इसके अंदर हम थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे। इस मशीन में बहुत सारे डिजाइन्स आते हैं, लेकिन हमें चकरी बनाने के लिए इस तरह का डिजाइन चाहिए। मैंने थोड़ा ऑयल लगा लिया है। इसमें ये चकरी हम फिट कर देंगे और ये इसके ऊपर लगा देंगे। हमने ये जो आटा तैयार किया है वो इसके अंदर हम भरेंगे। इसको अंदर से इस तरह से दबा देना। अब इसको हम इस तरह से फिट कर देंगे, इसको अच्छे से बंद कर देंगे। इस तरह से हम एक प्लेट ले लेंगे और इसको हम प्रेस करेंगे। देखिए, हमारी चकरियाँ बनकर तैयार हो चुकी हैं। हमारी चकरियाँ तैयार हो चुकी हैं। इसे हम कर लेते हैं अब फ्राई। मैंने चकरी को फ्राई करने के लिए तेल गरम करने के लिए रख दिया है। हमारा तेल गरम हो चुका है। अब हम एक एक करके इसमें से चकरी निकाल के इस फ्राई पैन में डाल देंगे। अब इसको हम धीरे धीरे करके पलट लेंगे। देखिए, हमारी जो चकरी है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसे अब हम बाहर निकाल लेते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी क्रिस्पी जो चकरी है वो तैयार हो चुकी है। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो शेयर, लाइक और कमेंट में जरूर लिखिए। बाय बाय।